समझिए सरकार कैसे काम कर रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सबसे चहेते मंत्री हैं महेश जोशी। अभी से थोड़ी देर बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बताएंगे कि मैं बेगुनाह हूं, लेकिन इस इलाके के लोग बताते हैं कि किस तरह से देवेंद्र शर्मा, जो उनकी शह पर इस पूरे इलाके में अपनी दादागिरी करता था और कई होटलों में उसकी पार्टनरशिप है, और कैसे मंदिर के ऊपर ही वो होटल बना रहा था। ये दृश्य यहाँ पर देखिए, किस तरह से लोग धरने पर बैठे हैं। ये सामने सामने यही वो जगह है जहाँ पर रामप्रसाद मीणा ने मौत को गले लगाया। शव अभी रखा हुआ है इस इंतजार में कि सरकार के तरफ से कोई कार्रवाई होगी, इंसाफ मिलेगा। परिवार बैठा हुआ है, परिवार के साथ बहुत सारे नेता भी बैठे हुए हैं। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भी आए हैं दिल्ली से, उनसे बातचीत करते हैं क्या, किस तरह, किन परिस्थितियों में ये घटना हुई है और सरकार अब तक जागी क्यों नहीं है। देखो, मैं तो आपको पता है कि वीरांगना का जो आंदोलन चला था उस समय मेरे साथ चोट लग गई थी, तो मैं दिल्ली गया हुआ था और दिल्ली से यहाँ धरना स्थल पर इसलिए आया हूँ कि राम प्रसाद ने अपील की थी। और बड़ी खुशी की बात है कि हमारी पार्टी के अलावा सभी समाज के लोग यहाँ पर धरना, समाज के, हाँ, क्योंकि राम प्रसाद जी का व्यवहार बहुत अच्छा था इस कॉलोनी में, सभी लोग इसकी प्रशंसा कर रहे हैं। और उसका छोटे से टुकड़े पर, जिसको 2017 में उसका पट्टा मिला था, ये पट्टा है नगर निगम जयपुर का, ये प्रधानमंत्री शहरी जन कल्याण योजना 2017, ये मुख्यमंत्री जी का फोटो भी है, ये पट्टा है। ये पट्टा होने के बाद भी नगर निगम के लोगों ने इसको नोटिस दे दिया, निर्माण नहीं करोगे। निर्माण करने लगा तो गार्ड बैठा दिए, ये टावर ली गार्ड बैठे रहे यहाँ बराबर, इनको कोई जाने नहीं दिया। जैसे तैसे करके महेश जोशी, जो यहाँ के विधायक हैं और बड़े मंत्री भी हैं, उनके पास पहुँचे और जाके कहा कि हमारा ये पट्टा है, हमें निर्माण नहीं करने दे रहे। तो राम प्रसाद को डांटा, दुत्कारा, और ऐसा ये कह रहे हैं कि उनकी माँ को उन्होंने लात मार दी, जिससे डिप्रेशन में आ गया और उसने आत्महत्या कर दी। तो इसमें बराबर रूप से महेश जोशी भी दोषी है। उन्होंने इस बात के लिए उनको प्रेरित किया, उकसाया, और जिसके कारण उसने मौत को गले पोता लिया, लगा लिया। तो रात को बड़े दबाव के बाद मुकदमा दर्ज कराया। हमारी मांग है कि जो FIR दर्ज की है उसमें नामजद जितने भी, चाहे कितना ही बड़ा हो, उसको गिरफ्तार किया जाए। और जुनेद नासिर को जाके मुख्यमंत्री वहाँ जब मुआवजा दे सकते हैं, कोई बात नहीं है मुख्यमंत्री जी बताओ, लेकिन उस लाइन पर इनको मुआवजा दे दो, इनको एक नौकरी दे दो। और प्रधानमंत्री शहर आवास योजना में इनको एक मकान दे दो, और मंदिर पर भी कब्जा है उसको हटा दो, भवन को ध्वस्त कर दो जो अवैध बनाया है, उसको ध्वस्त करने की कार्रवाई सरकार ने चालू कर दी है। लेकिन जो मांग इन्होंने सबने मिलकर सर्व समाज ने दी है, उसकी पूर्ति सरकार को करनी चाहिए। इन मांगों को लेकर ये यहाँ पर बैठे हुए हैं। बड़ा सवाल है कि अब ये जिस होटल कहा जाए, देवेंद्र शर्मा का है, राकेश टांग, तो ये जो 5-6 लोगों का नाम लिया गया है, वो कहा जा रहा है कि इस पूरे इलाके में उनका दबदबा रहता था और महेश जोशी का वरद हस्त था उन पर। दबदबा है जबी तो ये ऐसी बड़ी घटना हुई है कि गरीब को मौत को मुंह गले लगाना पड़ा। जबी ये जो जोशी जी से मिलने गए थे तो इनको अपमानित किया, इनके साथ दुर्व्यवहार किया, उनके कार्यकर्ता बताए, उनके खास आदमी बताए, उन्हीं की या कोई राजनीतिक संरक्षण नहीं, कहने पर ही वो निर्माण नहीं कर पा रहा था। नगर निगम ने 4-4 गार्ड लगा दिए थे, पट्टा होने के बाद भी नगर निगम ने गार्ड लगा दिए और निर्माण नहीं होने दिया। एक तरफ वैध निर्माण नहीं होने दे रहे, दूसरी तरफ अवैध निर्माण कर डाला 4 मंजिला, जिसका अभी नगर निगम ध्वस्त कर रही है। तो ये बिना राजनीतिक संरक्षण के संभव तो है नहीं। और यहाँ सबसे बड़ा राजनीतिक आगा महेश जोशी है, वो यहाँ के विधायक है और मंत्री हैं, और वो लोग भी उन्हीं के आदमी बताए, जैसा उसने वीडियो जारी किया, जैसा उन्होंने पत्र लिखा है, पत्र भी मेरे पास है, वो पत्र देना। जो राम प्रसाद बेटे पर जो आरोप लगा था बलात्कार का मामला, उसमें भी इन लोगों का नाम था। बेटे पे बलात्कार का आरोप लगा जब तो बच गए, इसमें भी इन लोगों का नाम था, देवेंद्र शर्मा वगैरह की। अरे, मेरे को पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन ये वो पत्र लिख गया है।
मुझे लेटर लिखना नहीं आता है, मगर मैं दुखी होकर यह लेटर लिख रहा हूँ। मेरे घर का निर्माण चल रहा था जिसमें मेरे पूरे परिवार को दुखी कर दिया। कुछ लोगों ने होटल रॉयल सेरेटन मुजी टॉक गिरधारी जी का मंदिर, निवासी देवेंद्र शर्मा नाम है इसमें, देवेंद्र शर्मा और वह ललित शर्मा व कैबिनेट मंत्री महेश जोशी, आज दिनांक 16/4/2023 को मैं बहुत परेशान होकर मेरे परिवार को अकेला छोड़कर आत्महत्या कर रहा हूं। बाबा किरोड़ीलाल मीणा, मेरे परिवार को इंसाफ दिलाना। आपका दुखी प्रार्थी राम प्रसाद मीणा। पढ़ते पढ़ते आंखों में आंसू आ जाते हैं। बताइए, सिस्टम से हार कर एक व्यक्ति जान दे देता है, इस तरह के हालात अगर हैं, आप देख लो ना। अब मंत्री जी का नाम सीधा है, उनके साथियों का नाम सीधा है। मैं जानता हूँ सर, पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं करेगी, लेकिन वो मरने से पहले कह गए तो हमारा सबका कर्तव्य बनता है कि हम उनको न्याय दिलाएं, सरकार ऐसे दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करे और अवैध निर्माण को ध्वस्त करे और इनके निर्माण को होने दे। चूंकि इनके पास पट्टा है, राम प्रसाद के पास, इन मांगों को लेकर हम बैठे हैं। आपका कर्तव्य है, मगर सरकार का कर्तव्य भी कुछ होता है। सबकी गार्जियन है सरकार, और सरकार की तरफ से एक बयान नहीं आया, ना मुख्यमंत्री का, ना डीजीपी का, किसी का बयान नहीं आया। सरकार को गरीब गुरबों की परवाह नहीं है, बड़े लोगों को चिंता कर सकते हैं। सरकार को तो बड़े बड़े, हमने पेपर लीक में नाम बताए, किसी पर हाथ नहीं डाला। आज जरूर एक बाबूलाल कटारा पकड़ा है, वो छोटा मगरमच्छ है, उससे बड़े मगरमच्छ है। तो सरकार को छोटे आदमी नहीं दिखते, बड़े आदमी दिखते हैं, उन्हीं पर मेहरबानी करते हैं। सरकार की मेहरबानी के कारण ही 4 मंजिला ये मकान बन गया, उन्हीं की मेहरबानी के कारण से मंत्री का बलात्कारी पुत्र बच गया। तो ये जो है ना, सरकार की मेहरबानी जो है, जनता चुनाव में देखेगी, इनके परिणाम चुनाव में बताएगी। इस तरह से यहाँ लोग बैठे हुए हैं और सारे लोग कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ मांग तैयार किया है, उस मांग के आधार पर ही उनके मांग के आधार पर ही जो है, मांग के आधार पर ही सरकार अगर मानती है तो फैसला लिया जाएगा। और इस तरह से कल से ही यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। कल रात को तो थाने पर भी धरना देना पड़ा था मुकदमा दर्ज करने के लिए, क्योंकि इस इलाके में जो पुलिस वालों को पोस्टिंग देते हैं, वो देते हैं ऐसे, तो पहले मुकदमा दर्ज करने के लिए तैयार नहीं थे। और जिन लोगों का नाम लिया गया है, देखिए पहली बार नहीं लिया गया है। देवेंद्र शर्मा वो व्यक्ति है कि जब उनके बेटे पर आरोप लगा बलात्कार का, तो पीड़िता के पिता और भाई दोनों के ऊपर उन्होंने छेड़खानी का आरोप लगाया, जो कोर्ट में गलत पुलिस तो जहाँ जो है चाय की दुकान थी, मैं दिखाना चाहूंगा आपको, यही राम प्रसाद मीणा की चाय की दुकान थी। इसी चाय की दुकान पर राम प्रसाद मीणा चाय बेचा करते थे। आज वो चाय की दुकान सुनी है, यहाँ पर पानी के कुछ कैंपर रखे हुए हैं, उनके पिता हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तो क्या हुआ था आप? कैसे ये जमीन आपकी पुश्तैनी थी? हाँ, शुरू से सन 68 से रह रहा था मैं। 68 से रह रहे थे? हाँ, 68 से रह रहा था। और जब ये जो खत्म होने वाला बच्चा था ना, ये 81 में बीमार हो गया था, तो मैं अंदर मंदिर के अंदर एक वो कोठड़ी ली थी, उस किराया को किराए नामे को इसने नीचे रख, जहाँ मैं रह रहा हूँ इसमें लगाते हैं, ये ज़मीन मेरी है तो खाली कर। तो इसने एक तरफा करवा लिया, खाली करने के आदेश लिया है। फिर मैं एडीजे में गया, एडीजे में मैंने वही काम किया। फिर हाई कोर्ट गया, तो हाई कोर्ट में भी इन्होंने वही काम किया, जबकि नगर निगम के जो नोटिस थे कि भाई तुमने ऐसे ऐसे कब्जा कर रखा है नगर निगम ज़मीन पर, तो तुम इतने दिन में इसके कोई जवाब दो, नहीं तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो जा कर के मेरी उनकी 200 रुपये का जुर्माना हुआ, वो करके मैं मेरे पास रख लिया। तो मैंने हाई कोर्ट में भी वही दिए, तो उन्होंने फिर भी वहाँ से भी मेरे को निरस्त करवा दिया। इसके बाद मैंने सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद
सुप्रीम कोर्ट वालों ने कहा कि किरायानामा जब देखा उन्होंने तो कहता भाई एक ऐसा है कि ये तो तुम्हारे जो वकील हैं वो ही गलत हैं, नहीं तो इसमें किरायानामा हक ही नहीं है। उसमें क्या है, किरायानामा में किरायेदार मुझे बना दिया गया और मतलब खुद के साइन किए ही नहीं, खुद के साइन नहीं किए, लिखवा के दे दिया। जब मैं इनको या नीचे वालों को भी कई दफ़ा कहा, सा मैंने खाली कर दिया, खाली कर दिया, इन्होंने एक शब्द भी नहीं लिखा, वकीलों ने एक शब्द नहीं लिखा। मजिस्ट्रेट तो जो वकील लिखेगा उसी का तो फैसला देगा। तो क्या हुआ, अभी ऐसा क्या हुआ कि वो जान देनी पड़ गई? साहब सन वो क्या नाम है, तारीख दिनांक 13 को वहाँ गए थे हम, किन के पास, महेश जोशी जी के पास। मैंने साहब ऐसी ऐसी बात है, हम एक छाया बनाने के लिए आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमको इजाज़त दें। तो उन्होंने मतलब क्या है कि मेरी घरवाली के उन्होंने धक्का दे के पटक दिया, तो वो बच्चा साथ में था, उसको वहाँ से ही सदमा बैठ गया। तो कल सुबह की बात है, पहले वो दुकान खोली, दुकान खोल के मैं जो बोला पापा ऐसा करो मैं बैठ जाऊँगा दुकान पे तो, और आप तो चले जाना नगर निगम और छोटे भाई को भेजना कलेक्ट्री वहाँ कोर्ट में, जो ये कर रखा केस उसका जवाब दे देगा। अब साहब मैं बैठ गया, वो मेरे पास आया ही नहीं। 8 बजे जब मैंने फ़ोन किया तो कोई जवाब नहीं आया। मैंने देखा यार क्या बात हो गई, कहाँ गया। तो इतनी देर में ही यहाँ से छोरे आए, कहता काका बंद कर बंद कर, अरे भाई क्या बात हो गई, अरे बंद कर तू बंद कर, उन्होंने खुद ने ये बंद कर दिया। मैं जाके जब देखा तो मेरे को लटका दिखा, ये है सब। तो परिवार में कौन कौन है, कैसे चलेगा, कोई कमाने वाले हैं? और कोई कमाने वाला नहीं, या तो मैं हूँ या वो था, हम दोनों ही 10-12 आदमी थे, उनका खर्चा चलाते थे। वो गाड़ी चलाता था, मैं ये वो करता था, चाय बनाता था इसका। हाँ वो वाली गाड़ी नहीं, लोडिंग गाड़ी, लोडिंग गाड़ी है ना उधर, हाँ ये लोडिंग की गाड़ी है। और ये चाय की दुकान है। तो इस तरह के हालात है पारी साहब, ये आप महेश जोशी के खिलाफ आप लोग बोल नहीं पाते हो, उस इलाके में बहुत दबदबा है उनका। हमारे बोलने पे कोई दबदबा नहीं है, दबदबा कोई होगा तो अगर कहेंगे वहाँ के जो भू माफिया उनपे होगा। जिनका जिनका नाम आ रहा है, जिसने उस सोसाइट में नाम बोला है, वो तो बता रहे हैं कि इस इलाके में महेश जोशी का नाम लेकर अपनी दादागिरी जमाते थे। ऐसे तो कई दलाल हैं जो यहाँ पर उनके नाम से कई काम करते होंगे। रोक टोक नहीं थी? नहीं, रोक टोक तो डिपार्टमेंट करे, पुलिस डिपार्टमेंट कोई रोक ले, निगम प्रशासन की कोई रोक टोक नहीं, पुलिस के लिए तो किसी के लिए तो उसी वजह से सब लोग कुछ कर रहे हैं। ये जितेंद्र मीणा जी, ये परिवार 68 से यहाँ रह रहा है, उसके बाद भी कोई सुनवाई इसकी नहीं हो पा रही थी, जबकि पट्टा नगर निगम ने बना के दिया। देखिए जैसा कि सरकार का रवैया है, ये पहली घटना नहीं है, ये दलितों के साथ आदिवासियों के साथ जो पोषण की नाम लेकर जो शोषण कर रहे हैं, ये वो कांग्रेस की सरकार है, ये शुद्ध रूप से बेईमान है। एक तरफ आप देखते हो अवैध मंजिलें 6-6 खड़ी होगी, 6 मंजिला इमारत है, इस गरीब परिवार को अपने सर रखने के लिए छत नसीब नहीं हो रही। आज भी इनके बच्चे खुली आसमान के नीचे सो रहे हैं। ये कहीं ना कहीं शर्मसार करती है इस कांग्रेस की सरकार की वो नीतियाँ जो अपने उन सबको 200 के 200 मिनी मुख्यमंत्रियों को आगे बढ़ाने के लिए और लूट के लिए खुली छूट इन्होंने दे रखी, उसका परिणाम रहा कि इस आदमी को आज अपनी जीवन लीला समाप्त करनी पड़ी। बेहद दुखद है कि इस तरह से किसी को जान देना पड़ता है, लेकिन हम आपको दिखाएंगे कि कहाँ ये कौन सा इलाका है और किस तरह से, देखिए पुलिस फोर्स कैसी लगी हुई है इस पूरे इलाके में। यहाँ पर बैरिकेडिंग लगाई गई है आगे और पुलिस का बड़ा जमवाड़ा है, ताकि यहाँ कोई भीड़ नहीं हो, लोग आए जाए नहीं, कोई हुड़दंग नहीं हो। लेकिन बड़ा सवाल है कि जिस तरह से उसकी मौत हुई है, अपने आप में कई सवाल खड़े करते हैं कि आखिर क्या सिस्टम में कोई सुनने वाला नहीं है ताकतवर के खिलाफ। क्योंकि ये होता क्या है कि मंत्री हों या विधायक हों, अपने अधिकारियों को लगाते हैं, SHO वो लगाते हैं, कांस्टेबल वो लगाते हैं, ADM वो लगाते हैं, SDM वो लगाते हैं, कलेक्टर वो लगाते हैं, SP वो लगाते हैं, कमिश्नर वो लगाते हैं, तो फिर सुनवाई कैसे होगी और कौन करेगा? अब जाके कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बेहद नाराज़ हुए हैं, फटकार लगाई है और कार्रवाई हो रही है।
ये कार्रवाई नहीं चाहिए अब, क्योंकि इस कार्रवाई से मामला आगे बढ़ गया है। लोगों को लोग कह रहे हैं कि अब हमें कार्रवाई के नाम पर इस तरह से डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा गिरफ्तारी दे रहे हैं। देखा जाता है यहाँ पर पुलिस वैन में बैठ रहे हैं और यहाँ पर वो गिरफ्तारी देने जा रहे हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से बातचीत करते हैं। कहाँ जा रहे हैं आप? ये मंदिर पे निर्माण कर लिया आगे, हाँ। ये बहुत बड़ा ये कोर्ट से टेम्पररी इन्होंने राहत लेकर जयपुर आए हैं उनके बेटा, और ये यहाँ पर भीड़ आप देख सकते हैं किस तरह से है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पूछ रहे थे कि क्या जिस तरह से बाप के खिलाफ मामला आया है, बेटे के खिलाफ ओपन हो सकता है क्या? क्योंकि देखिए जयपुर में बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने से पुलिस ने मना कर दिया था, तब जाके पीड़िता जो है वो पहुंची थी दिल्ली और दिल्ली में मुकदमा दर्ज कराया था। ये देखिए ये यहाँ पर किस तरह से भीड़ लगी हुई है, आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर भीड़ इकट्ठा है, और बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा है और कार्रवाई हो रही है। परिवार के लोग हैं यहाँ पर लगातार इंसाफ की मांग कर रहे हैं। हालांकि जितनी तेजी के साथ पेपर लीक माफिया के खिलाफ कार्रवाई हुई थी, उतनी तेजी के साथ कार्रवाई जो है, ये मकान वो बनाने की कोशिश कर रहे थे राम प्रसाद मीणा, और परमिशन लेकर इस मकान को बनने नहीं दिया जा रहा था, जिसके बाद उन्होंने जान दी है। ये मंदिर का पीछे का इलाका है और ये बगल में ये होटल है, जिस होटल वाले ने उनका निर्माण रोका था। तो परिवार के लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जनवरी को पत्र खबर छपी थी इसकी, तब भी गहलोत सरकार ने सीन नहीं किया। मैं यही कहना चाह रही हूँ, मुझे मेरे पापा का इंसाफ चाहिए किरोड़ी बाबा की सहायता से, क्योंकि आखिरी दम तक उन्होंने किरोड़ी बाबा का नाम लिया है, और अब मेरी हिम्मत टूट गई है घूमते घूमते न्यूज में बोलते बोलते कि मेरे बाप को इंसाफ दे दो दे दो दे दो, आप सभी के हाथ जोड़ू, हमारा हमारा घर दे दो, अब हमारे आगे पीछे कोई नहीं है, मेरे भाई को एक गवर्नमेंट जॉब दे दो, हमें कुछ नहीं चाहिए, महेश जोशी को फांसी दे दो, महेश जोशी को फांसी दो, फांसी दो भाई, फांसी दो, महेश जोशी को फांसी लगनी चाहिए, जैसे मेरा बाप मरा तरह तड़प तड़प के, वो भी मरना चाहिए, और वो बोल रहे हैं कि मैं जानता नहीं है, कैसे नहीं जानता मैं, मेरे दादी की लात मारी उसने, मेरे पापा की सबसे बड़ी बात चुकी है। राजस्थान पत्रिका में बिल्डिंग का फोटो छपा, तब भी इसको सीज नहीं गया, हमारे पास वाले मकान सीज कर दिए गए। इस बिल्डिंग का राजस्थान पत्रिका अंदर खबर छपी, पर मंत्री या किसी भी होटल के दबाव में आके इस बिल्डिंग को आज तक सीज नहीं गया निगम ने, एवं हमारी बिल्डिंग सीज की गई उसको छुड़वाने के लिए आयुक्त दिलीप शर्मा के दलाल अमर गुरबानी का छोरा दिलीप गुरबानी ने मेरे 70,000 मांगे, मैंने नहीं दिए, तो मेरे खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई कोतवाल थाने में, उसके बाद मैंने 70,000 दिए, दूसरे दिन ही परिवार वापिस ले लिया गया और मेरी बिल्डिंग की सीज खुल दी, जबकि आदेश 9 तारीख को है सील खोलने के। पूरे इलाके में ही काम चल रहा है, ये इस इलाके में धंधा गोरख धंधा आयुक्त द्वारा कराया जाता है। एक बिल्डिंग और बनाइए, एक महीना हो गया इसको। गुड़िया घर में कोई कमाने वाला है कैसे? आप कोई कमाने वाला नहीं है, मेरे चाचा है जो ड्राइविंग करते हैं, मेरे पापा है जो ड्राइविंग करते हैं, अगर वो एक दिन का 5,000 कमाते थे ना, तो 6,000 उसी में लग जाते थे जिससे वो मजदूरी कमाते थे, गाड़ी चलाते थे मेरे पापा, दिन रात कौन करता है इसे, खून पसीनों में काम करते हैं मेरे पापा, और उन्होंने सुसाइड नहीं करी, उनका मर्डर किया है, मर्डर किया है, मेरी बात सुन लो, उनका मर्डर किया गया है। एक बार मंदिर आप लोग मकान दिखा, मकान में दिखा, गैलरी खोल रही है, पब्लिक नहीं, ज्यादा नहीं चल, एक मिनट लेख सुनो,
अरे जाने दो यार, बताओ भीड़ बताओ कोई भी। ये दिखाने जा रही है आपको कि किस तरह से यहाँ पर ये देखो इन्होंने कहा था ये हमारी इतनी टूटनी चाहिए। एक मिनट, हमने आके छाया तक छोड़ दी तो अभी हमें न्याय नहीं मिला। एक मिनट रुक जा, गली छोड़ दी, सुनना मेरी बात, मंदिर की जगह छोड़ दी इन्होंने और ये निगम की जमीन है, निगम का पट्टा इनके पास। और आप बताओ बेटा, आप ये होटल की बाउंड्री है, होटल की नहीं, ये मंदिर की ऐसे छह बार है, बियर बार बनाया इन्होंने, रेस्टोरेंट भी नहीं, बियर बार। लेकिन इन्होंने छोड़ दी ना मंदिर की जमीन, कितनी जमीन छोड़ दी ना, और ये नाले में बेटा ऐसा वो जमीन में इन्हें यहाँ पे गेट भी बना हुआ था मंदिर का, इन्होंने मंदिर का गेट तक बंद करा दिया, तो इतनी जगह छोड़ी है जब हमारे पापा को ले गए। ये क्या होटल बना रहे, घर बना रहे, होटल मंदिर के, जो मंदिर के गुम्बज है उनको आधा कब्जा कर लिया उन्होंने, मंदिर के जो गुम्बज है आप उधर से पीछे से जाके देखो, पूरे गुम्बज को आधे आधे आधी बिल्डिंग बना लिया उन्होंने। किस चीज का ये तो बता, आप हम झूठ नहीं बोल रहे, आप देखो एक बार, हम छह फुट छोड़ के बना रहे हैं, फिर भी हमारा ऑपरेशन करा जा रहा है। मंदिर की दीवार से सटाकर ये मंदिर कौन सा है ये तो बताओ। और ये कहा जा रहा है महेश जोशी के छत्रिया तोड़ दी, दम पर बनाई जा रही थी मेरे द्वारा, यहाँ पर इतने इतने सारे लोग हैं वो सब अपनी अपनी कहानी कह रहे हैं। सर हो सके ना तो उस मंदिर को आगे से भी दिखाओ, एक बार मैं आपको ले चलता हूं आगे की तरफ जहां पर यह कार्रवाई हो रही है। ये देखिए ये होटल बन रहा था जहां पर यह कार्रवाई की जा रही है, अब जाके सरकार जागी है। ये यहां पर यह मंदिर है, ये देखिए ये आपको दिखाना चाहूंगा मंदिर, मंदिर से सटा के इस होटल की बाउंड्री बनाई गई है, मतलब ये इसको तो कंस्ट्रक्शन करने की छूट दी गई है मगर राम प्रसाद मीणा को रोक लगा दी, 3 JCB से लेकर हैं और दीवारें तोड़ रहे हैं। कितना बड़ा निर्माण यहाँ पर हुआ है, इस निर्माण को कभी नगर निगम ने देखा ही नहीं, जिन नगर निगम के अधिकारियों ने इस निर्माण को नहीं देखा है क्या सरकार उन पर कोई कार्रवाई करेगी, क्योंकि अगर राम प्रसाद मीणा ने जान दिया है तो फिर मुझे लग रहा है कि उसकी जान की कीमत भी होनी चाहिए। और ये पीछे मंदिर देख लीजिए, मंदिर का गुंबद देख लीजिए, आप देख लीजिए किस तरह से ये अवैध बिल्डिंग बनाई जा रही थी, वो पीछे आप दिखाई दे रहा है आपको, वो मंदिर का गुंबद है, मंदिर के इस ढांचा के ऊपर होटल बनाना ये कहां तक उचित है। जिन लोगों का नाम लिया जा रहा है उन लोगों ने इस तरह से यहाँ पर अवैध निर्माण कर रखा है बिल्कुल मंदिर के ऊपर ही। एक व्यक्ति जो 1968 से रह रहा है उसे कहा जा रहा है कि तुम घर नहीं बना सकते और ये मंदिर से सटकर दीवार बनाकर इतना बड़ा होटल यहाँ पर बियर बार बनाया जा रहा है जैसा कि आरोप लगा रहे हैं। समझिए कि राजस्थान में नगर निगम क्यों नरक निगम बना हुआ है और क्यों इस तरह की परिस्थितियों में आखिर किसी को जान देना पड़ रहा है। महेश जोशी थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना पक्ष रखेंगे, वो यही कहेंगे कि मैं जानता नहीं कि राम प्रसाद मीणा कौन है, मैं जानता नहीं कि जो जिन आरोपियों का नाम लिया है वो कौन है, मगर बड़ा सवाल है कि अगर आप जानते नहीं हैं तो डाइंग डिक्लेरेशन के बावजूद मंत्री के अलावा जिन लोगों का नाम लिया गया है वो अब तक अरेस्ट क्यों नहीं हुए हैं। सरकार को इसका जवाब देना चाहिए, सरकार बैठ कर रायशुमारी कर रही है मगर एक कोई भी जवाब सरकार की तरफ से नहीं आया है, यह कम शर्मनाक नहीं है। इस मसले पर हम सरकार से लगातार सवाल पूछते रहेंगे। आप देखते रहिए राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।